अपने यहाँ छोड़ दे, मैं करती हूँ काम। चलो हो गया। बबई खुल जा। एक मिनट, ये पकड़ना मेरे हाथ पे कैमरा ले। ओहो क्या चीज हो रही है यार, रोजा था। ओह शिट, मम्मा जहर ने मेरा रोजा तोड़वाया है। इसकी इसकी गलती है सारी। वेलकम टू आवर फैसल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो ये रमज़ान का महीना चल रहा है और मतलब कि मुझे ना लिटरली मैं रोज़ा रखा, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं रोज़ा रखा, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है बाहर। 5 बज रहे, मतलब इफ्तारी होने वाली है, इफ्तारी कर लेकिन मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, यू नो कि आप लोग भी। पहले मैं सोचा बनाऊँ ना, मैं कहा चलो बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा बना लिया मैंने। ओके यार, तो बाहर इतना प्यारा मौसम होना कि मुझे ना पहले यकीन ही नहीं आ रहा था कि रमज़ान का महीना चल रहा है, क्योंकि हमेशा तो गर्मियाँ होती है। और ऑल्सो अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आज ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करनी, आज मैं खुद एक डिश बनाऊंगी सबके लिए, तो बहुत एक्साइटिंग बनाऊँ। क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही, देखती हूँ। पहले यार हम सबसे पूछ रहे हैं कि सबका रोज़ा कैसा गुजरा है, तो पहले मम्मी आपका रोज़ा कैसा गुजरा है मुझे ज़रा बताएंगी। मम्मा तो बड़ी रॉयल खातून है, इनको रोज़ा नहीं लगता। मैं बता रही हूँ मम्मा को नहीं लगता रोज़ा, तो नहीं लगता आज, तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ पे हमारी एक और नए खातून आई है जिसका ये दुपट्टा देख के मैं थक गई। कैसा गुजरा रोज़ा आपका? सही गुजरा, क्योंकि प्यास नहीं लगी क्योंकि मौसम। तो भूख तो लग रही है ना। मेरी बात सुनो, मुझे खींच दो, मैंने कुछ डिशेस बनानी है। 4 बताती हूँ, पास्ता, पकोड़े और फ्राइज, दोनों मिक्स, समोसे या फिर क्या था। और मम्मा बताओ मैं क्या बनाऊँ, मैं मुझ पर क्या सूट करे। पकोड़े और फ्राइज मेरे हिसाब से बताओ ना, मैं क्या बना सकती हूँ। पकोड़े नहीं बना सकती, नहीं मुझे पकोड़े नहीं आते बनाने। पास्ता नहीं बना सकते तुम्हारे यहाँ? कितनी मुझे सिर्फ एक काम आता है, बदतमीजी। मुझे एक काम आता है, थप्पड़ मारना, किसी को सीधा करना। मुझे आती है बस व्लॉगिंग। अच्छा तो इधर आप भी से पूछते हैं, उसका रोजा कैसा गुजरा बताओ। मुझको बहुत नींद आ रही, मुझे तो बिल्कुल रोजा नहीं लग रहा, इनको क्यों लग रहा है? मुझे रोजा लग नहीं रहा है, मतलब तुम लगवा ही जा रही हो, क्या कह रही हो लग जा। आज स्पेशल बात बताओ, आज मैट कोई एक डिश बना रही हूँ, पूरा इफ्तारी नहीं सिर्फ एक डिश। तो मैं बताऊँ मैं क्या बनाऊँ? पास्ता बना को, मेरा हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। हाँ, है ना, बोल दो यार, पसंद है लोगों को, बहुत पसंद है भाई। हाँ। मेरा अभी के हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। पास्ता, अच्छा पास्ता में भी हमारी फॉर्म्स, आप अल्फ्रेडो पास्ता खाना चाहेंगे कि रेड सॉस पास्ता खाना चाहेंगे? रेड सॉस नहीं, वो नहीं मुझे आता। बड़ी बदतमीजी, मुझे पूरा पसंद है, वो नहीं बनाओगी? मुझे बस अल्फ्रेडो तो बनाऊंगी। नहीं नहीं, रोजा रख के बहुत बोलती है और पागल, प्यास लगती है, बोलने से आपको रोजा कम लगता है। हाँ अच्छा गाइस, आप मेरे व्लॉग्स में जाके देखेंगे ना, तो मैं कभी कभी हो जाती हूँ यार नॉर्मल, अभी प्यास ना लग जाए ज्यादा। अल्लाह का जिक्र करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। चलो अल्लाह की तरफ से ढेर सारी ठीक है। मैं कौन सा पास्ता बनाऊं फैंस को? हाँ बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने क्या बोला? पास्ता कौन सा बनाऊं, अल्फ्रेडो पास्ता? अब तुमने अपनी मर्जी से बनाना, मुझसे क्यों पूछ रही? निकलो, ये वो माँ है जो आके पूछती बेटा क्या खाना, टिंडे बने खाने तो कौन है तो घर से। हाँ तो बनाना मैंने वही, मैंने करनी अपनी मर्जी है। चलो अम्मा जी, आपका किचन की खराबी स्टार्ट होती है। स्टार्ट हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ। तस्वीर को तुम पास्ता नहीं बनाओगी तो क्यों? तो वो बहुत मुश्किल है, सबसे अच्छा बनाना ही पास्ता आता है कसम से। हाँ मैंने तो नहीं कभी खाया था यार, है ही नहीं हमारे पास यार। अब तुम खाली चिप्स बना के ना, नो 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 बना लो। मेरा टेडी क्या कहता है? टेडी क्या कहते हैं, क्या बनाऊं? कान में कह रहा है क्या? अच्छा कह रहा है स्पेगेटी खानी है, कह रहा है मैक्रोनी खानी है। ओके रोजा लग रहा है? नहीं झूठी, पहले मम्मा को बोला था कि मुझे रोजा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोलने नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि मैं 4 डिशेस बनाने लगी हूँ, पकोड़े, फ्राइज या फिर पास्ता या फिर उसके बाद मैक्रोनी, बताओ क्या बनाओ इनमें से? तो मैं काम करो, पहले फ्राइज बना लो, फिर नहीं 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 पकोड़े बना लो, फिर मैक्रोनीज बना लो, फिर पास्ता बना। इतनी चीजें नहीं बनानी, एक बताओ। मैं इतनी मैं शेफ काफी स्लो है। मैं शेफ थोड़ी हूँ, मुझे एक फ्राइज बना ला, विच इज इनफ फॉर यू। फ्राइज भी मुझसे नहीं बनेंगे, ऑयल वाला काम नहीं मुझे, वो मुश्किल काम दो। तुम खुद बता दो तुम बनाना क्या चाह रही हो? मैं पास्ता बनाना चाह रही हूँ, तो वो बना लूँ? चलो ठीक है, ओके वो बना लूँ। सबका दिमाग खराब कर रहे, सबके मुंह में पानी लाना चाह रही है यार। नहीं मैंने कहा था पूछ लो, लेकिन बनाना मैंने करनी तो अपनी मर्जी है। ठीक है ओके, अपनी मर्जी करो। ओके यार, तो हमारे घर का सबसे छोटा पैकेट जिसने रोजा रखा, अगर मैं उससे पूछने जा रही हूँ कि उसको रोजा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जैनब आपको रोजा लग रहा है? फील इतना तो हो रहा होगा, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। नहीं मुझे भूख लग रही है, तुम्हें प्यास कैसे लग रही है? मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि ठंड है इसमें प्यास नहीं लगती, भूख लगती है। नहीं लेकिन मुझे ना प्यास नहीं लग रही, मुझे भूख लग रही, दिल करा कुछ खाऊं मजे मजे का खाने। आज आप फैसल की शेफ की पार्टनर आप बनना चाहोगे? मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं ऐसा काम करूँ? अच्छा टाइम बेटा जी, रोजा का असल काम नाम यही होता है कि आप रोजा रख के हर काम करो। इतना टाइम गुजार रही हूँ फोन यूज करके, रील्स देख रही। हाँ तो आज फिर मेरी हेल्प करो, आज शाबाश। तुम बनोगी मेरी वो टक 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 काटने वाले, मैं बस पकाऊंगी। हाँ ये सही है।
तो आ जाओ फिर जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी। ये वाला जो मौका ना मेरा वो बनने का साइड वो बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है? तो तुम्हें भी एजाज मिल रहा है, तो इसको पुरखरूर समझो, पुरखरूर ही होता है ना। हाँ उसको वो समझो। चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा। बुरी बात है, रोजे में काम करवा तो मेरा भी रोजा है वैसे। चलो तो क्यों मम्मा नहीं बने? मम्मा बनाया, मैंने भी एक चीज बनानी है, मेरा भी दिल चाह रहा है। चलो आ जाओ। ओके यार, तो मैं गूगल से थोड़ी सी रेसिपी देखी, मुझे ऐसे पता है, मुझे पता है अंदर क्या क्या डालना। आप अंदर बन को भी हमने निकाल लिया, और तो आपको पता है क्या क्या डालना है? क्या इसमें मैक्रोनी में? मैक्रोनी बनानी है? पता ही नहीं है उसको। मुझे पता है आपने ये काटना है। हाँ, और स्वीट कॉर्न भी कुछ कुछ लोग डालते हैं यार, लेकिन हमारे पास तो स्वीट कॉर्न तो बहुत सख्त है। इसमें हम कैरेट, कैप्सिकम, इसके अलावा सॉसेस वगैरह, तो मैं सारा पहले वेजिटेबल्स ना यहाँ पे लाके रखती हूँ। पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, ताकि इसलिए कि आपको रोजा कम लगेगा, खाना मैंने खा लिया। फिर मम्मा जी यार ये वीक है, थोड़ी सी वेजिटेबल है, ये तो बस ये मिला है मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही इतने कम से मैं क्या बनाऊंगी, बताएं। कम नहीं, इतनी डालते हैं ये देखो। मम्मा नहीं, तो कैरेट किधर है, इसके अलावा वो किधर है? ये एक फूल काटो। क्या ये काटो, बस ये चीजें काटो। कटिंग नहीं आती मुझे, मैं तो पकाना है ना, कटिंग तो फिर अच्छा करते हैं। अच्छा मैंने करती हूँ। चलो यार अब रोजा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं काम करूँ। आ रही हूँ मम्मा, मम्मा बुला रही। मम्मा को मैंने कटिंग पर लगा दी है और खुद मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ। मम्मा मेरे पास एक आइडिया आया, ठीक है? खाना आप बनाओ, क्रेडिट मैं लूंगी, कैसा? नहीं नहीं मैं कटिंग कर देती हूँ, बाकी बना। मम्मा कटिंग कर देती है और फिर उसको फिर मैं पका लूं। रेसिपी मेरी होगी और फॉर्मूला आपका होगा। चम्मच तुम हिलाओगी, बताऊंगी मैं ये डालना, वरना हाँ मेरे हाथों की मिठास अंदर ऐड होगी। क्या बताएंगी? सबको बताएगी कि मैंने बनाई। हाँ तो मम्मा जो लोग कैमरा में देख रहे हैं वो तो उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन गाय हट जाओ मम्मा। नहीं 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 आज छोड़ दे, मैं करती हूँ काम। चलो हो गया, ठीक है। मेरा हाथ लग गया, समझो मैं ही कर रही हूँ यार। रोजा इतना तो मेरा बनता ना यार। हाँ काट रही हूँ, बनाओगी तुम? ठीक है सारा काम मैं ही करूंगी। ओके ओके मम्मा आप काटो, ठीक है? मैं तब तक मैक्रोनी को बॉईल करती हूँ। हम लोग मैक्रोनी को, आप लोगों को मैं बता दूँ कैसे करनी है। आपने अंदर ऑयल डालना, थोड़ा सा नमक डालना। आप लोगों को चाहे मुझे पता ही होगा, मैं फिजूल बात बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझती हूँ, तो इससे मैं वो काम करने लगी हूँ कि मैक्रोनी बॉईल करूंगी। मम्मा मैक्रोनी बॉईल कैसे करते हैं, किसमें करनी है बॉईल मैक्रोनी? डस्टी में पानी डालना। अच्छा इसमें पानी हाँ डाल रहा है, फिर पानी डालने के बाद फिर क्या करना है? पानी तो लेके आओ मेरे पास। अल्लाह यार मुझे तो कुकिंग आती है, मुझे आती है। अच्छा गाइस अब हमने से पानी डाल दिया, आगे मम्मा से पूछते हैं क्या करना। मम्मा आगे क्या करना है? मेरे ना मेरे से तजर के बैठ ना जिया, इसको पहले जाके चूल्हे पे रख। चलो चलो इसको अब टुश टुश करना है। इसको पता हमारा चूल्हा कैसे चलता है, आपको बताते हैं। वाह हमारा चूल्हा से ऑटोमेटिक है, मैं शौकी भी मारती हूँ थोड़ी। ओके यार तो हम इसके अंदर हम ये वाली मैक्रोनी यूज करते हैं। खुल जाओ भाई खुल जाओ। अच्छा ये ओह ओह सॉरी 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 ना 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 एक मिनट, ये पकड़ना मेरे हाथ पे कैमरा। ओके और तो ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं, इसके मेरे से ना तो काम बहुत खराब हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर डालते हैं। स्वीट मोमी ने ये भी कट कट कर दिया है, ये भी कट कर दिया और ये भी कट कर दिया, मतलब मेरा आधे से ज्यादा काम हो गया। और मैं अभी मैंने लिटरली अभी उसके अंदर वो डाली नहीं है, तो अब वो डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ ऑयल और नमक आप लोगों ने पानी के अंदर ज़रूर डालना है। यार पिछले एक घंटे से मैं ऑयल ढूंढ रही हूँ, मुझे ऑयल नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम भी होने वाला, लिटरली सिर्फ एक घंटा रह गया, ठीक है? और मेरे अभी तक मैंने बनाया नहीं, इन्होंने सब मम्मा ने बाकी जो बाकी इफ्तारी का सामान है वो सब बना भी लिया, मैंने कुछ नहीं बनाया। यार मुझे समझ नहीं आ रही है ऑयल है या क्या है ये। हाँ देना मुझे एक बात बताओ, ये ऑयल है, ये क्या है? पागल हो ये क्या है? फिर मुझे ऑयल नहीं मिल रहा, मुझे कुकिंग ऑयल ढूंढ कर दो किसी तरह जल्दी। खराब है तो फिर ऑयल मिल क्यों नहीं रहा है? कभी भी पानी की तरह नहीं होता। क्या क्या करना है ऑयल? यार वो उसके मैक्रोनी जो करनी है ना उसके अंदर डालना है ना। ये है ऑयल, दिखा। नहीं यार देसी घी है ये तो। जैनब ऑयल मम्मा से पूछ कर आओ, जाओ शाबे जल्दी जाओ, हमें ऑयल ही नहीं मिल रहा। ओके यार तो हमें ऑयल मिल गया, इसको तो मुझे आज एक चीज समझ आ गई कि मेरी मम्मा के बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से काम ज्यादा नहीं आते हैं। तो अब हम ये इसके अंदर डालते हैं। इसको खोलो जरा, मैंने अभी तो खोला था। हाँ इसको पकड़ो, पकड़ पकड़ ऐसे। हाँ ध्यान दे, सारा गिराना नहीं, इसको पानी के अंदर डालो। मैं चूल्हा जलाया था, बंद किसने किया है? मम्मा ने किया। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा, बहुत थोड़ा, मेरे हाथ पे भी लग गया, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बस बस नहीं नहीं थोड़ा और, थोड़ा 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 और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस 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 बस। तो ऑयल डाल दी, हम डालेंगे अंदर नमक। इन नमक का ये खोलो। हाँ मैं इसको करती हूँ, इसको खोलो और डालो अंदर। कितना और डालो? डाल दो डाल दो डाल दो सारा डाल दो। नमक ही है ना, नमक की चीनी तो नहीं है? चुप खबरदार, मम्मा को बताया तुमने नमक वाली बात है ना, मैं मारूंगी तुम्हें। इसको साफ करो ना जल्दी से यार।
हाय हाय बड़े काम खराब हो रहे हैं। इसको अब करो मिक्स कर दिया। अब ये मैं डालूंगी, ये मैं डालूंगी, रुक जा यार मैं यार ये खुद ही देना बकमी। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, दिखा देना थोड़ी सी मुझे डालो, मैं तो एंड पे रहते हैं कि दिखाओ ना यार एक मिनट यार कितनी बदतमीज हो रही लड़की लग रहा है। हां इतनी दिखाओ ना जरा, मैं कुकिंग मैं कर रही हूं तुम कर रही हो, छोड़ दो हाथ लगा लो सारा डाल दो। हां मेरी सारी नहीं, मुझे पता नहीं है कितनी डालते हैं लेकिन मेरे ख्याल से सारी तो बहुत ज्यादा हो रही है ना, इतनी काफी है मेरे ख्याल से। पापा भी आ गए, थोड़ी सी और डाल। हाँ चल बस 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 सब ने पूरी फैमिली ने खानी है। रोजा लग रहा है ज़ेना, भी तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या किया है। अब बेटा जी नमक वाला अगर तूने मेरा बताया तो फिर मैं तुम्हारा ये वाला बता दूंगी। अच्छा बस गाइस अब हमने इसको रख दिया यहाँ पे, ये सामान इधर है और ये बॉइलिंग होगी। ये हम पूछते हैं मम्मा से, पूछते हैं मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको रेसिपी साथ साथ बताती जा रही हूँ, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है। एक तो ये बन जाने से बॉईल होने दो, फिर उसे उसे और उसे अलग से पहले इसको भूनो। तो यार मेरी बात सुन जाना, मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मुझे पता है काम खराब होगा, मैं सकते हीरापी को बुलाता हूं उसकी हेल्प करते हैं, मुझे नहीं आएगा। जानते हैं क्या करना है तुम्हें, एक तो को मैं बताती हूं, एक ना बस तुम देश की पकड़ो, उसके ना हल्का सा ऑयल डालो और इसको भुनना है। मैं हीरापी का भूनू, मुझे नहीं पता जल जाएगा, फिर मम्मा जान पे हीरापी को पूछ लूंगा। हीरापी भी बात सुनना। ओके यार हमारी मोस्ट फेमस शेफ आ चुकी है वो आके। हीरापी हम लोग को एक्चुअली में मैक्रोनीज बनानी है, कुछ करके बना दो। पानी क्यों नीचे गिराया है हीरापी, नमक और मैक्रोनी दोनों जहर में गिराए हैं। कौन चखा है दोनों जहर में गिराए हैं? कौन चखाता है छोड़ो, एक नमक ठीक है। रोजा है यार शर्म कर लो, पानी चखाते हैं, आर यू सीरियस? रोजा है यार पानी चख लो पागल हो। चलो अभी ये कच्ची है, अभी कच्ची हाँ पकने तो फिर आगे आप हमें गाइड करो, मुझे नहीं समझ आ रही। ये हमने ऑन किया और आज तो सारी कुकिंग ये लोग ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं रही। तो गाइस आप लोगों के साथ अपडेट देती हूँ, कैमरा मैन राव फैसल के साथ यहाँ पर हीरापी ने कैमरा वुमेन के साथ उसने यहाँ पे मैक्रोनी डाली है, सॉरी बंद गोभी डाली और उसके अंदर क्या डाला है, कैप्सिकम है और साथ नमक मिर्च डाली है और वहाँ पे वो बॉईल हो रही है और आपको हर हर खबर से आगाह करते हुए मेरा कैमरा आप लोगों के साथ रहेगा। एक मिनट टेस्ट करो, दिखाओ इसके अंदर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना नमक इसने ज्यादा डाला, इसने इतना घुसा के डाला था, गर्म है थोड़ा सा, इतना सा गलती से रोजा नहीं टूटा, कैमरा गवाह है सारी। मम्मा नहीं लेकिन मगर टूट गया, अभी मैंने इतनी मेहनत से रखा है यार। नहीं टूटा यार आप लोग सब गवाओ, नहीं टूटा रोजा। मैं एक दफा पानी मैं आगे से कह रही हूँ, मैं एक दफा पानी पी लेती हूँ ताकि मुंह से वो मिट जाए मेरा। गूगल से भी सर्च किया है तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप गलती से खा लो तो आपका रोजा नहीं टूटता, और मुझे नहीं पता था इसीलिए पता नहीं क्या हुआ लेकिन। ओके यार तो इधर कुछ ये सूरत हाल है, क्या क्या बनाओ, क्या मैं बनाऊ, हट जाओ, बड़ा शेफ आ गया, कैमरा पकड़। इसके अंदर हमने एक ब्लैक पेपर ऐड किया है, ठीक है, और बस ऐसे इसको। मम्मा ये चिकन बड़ा नहीं है, नहीं सही है ये बड़ा, ना तुम लेकर आओ ना, जाओ मेरे हाथ में कैमरा है, मेरे हाथ में कैमरा है। नहीं चला के देना हर काम ना मुझे देती, तो मम्मा ने हमें कहा कि हमें वो लेके हमें मिर्चे चाहिए। अल्लाह इसमें से मिर्चे कौन सी हैं। ओके यार तो ये वाली ब्रेड जो है वो चीनी मांगी है, तो इसे मम्मा ये लो, यार ये लो तो खुद ही कुकिंग करी जा रहा है, मुझे भी करने डालो, मुझे भी सब पागल, ये क्या हुआ, लाल मिर्चे हैं और मिर्चे नहीं है, मिर्चे नहीं है, बिरयानी कलर मिर्चे लेके आज ना देखती थी इसने बिरयानी कलर डाल देना था, तो फिर मिर्चे किधर है, तो बड़े जार में पड़ गई। अल्लाह यार मुझे एक तो डिफरेंस नहीं समझ आती है, ये है मिर्चे बिल्कुल सेम से। मैं अब किस किस बंदे को आ रही हूँ यार, मैं कितने काम कर रही हूँ, प्यारी सी मासूम सी राबिया आ रही हूँ, क्या हुआ अब ये मसाले ये हो गया, और ये जो है ना यहाँ पर हमने ये इसको वॉश करना है, और ये तो कच्चा है चिकन, यू हाँ हाँ खाने का दिल चाह रहा है, काम खराब कर रही है
मुझे पता है मिर्चें क्या होती है, मुझे मत सिखाया करो। वैसे चखने से ना रोजा नहीं टूटता, टेंशन नहीं है। मम्मा यार मेरा दिल दुखा पड़ा, आपको क्या बताऊं? नहीं नहीं, लेकिन मैंने गूगल से सर्च किया। हाँ जी, मैंने एक दफा पूरा खाना खा लिया, पूरा ना पानी का ग्लास पी लिया था। मैंने गूगल से सर्च किया, एक दफा पापा से भी पूछते हैं कि टूटता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक दफा ना बचपन में, आप लोगों को स्टोरी सुना, मैं एक दफा बचपन में भी ऐसे हुआ था, मेरे हुआ कुछ था कि मैंने पूरा पानी का ग्लास पी लिया था। और मैंने कहा फ्री बैठ के सुना ना उसको, देखो देखो तो है ना, पानी का पूरा ग्लास पी लिया था और रोजा मेरा टूटा नहीं था। मैं थप्पड़ मारूंगी, टेस्ट करो कि बदतमीज। ओए मम्मा ये इसका प्लानिंग है, पानी आ रहा है ना, अगले बंदे को याद करवाते हैं, ये नहीं कहते। मम्मा इसने पता है व्लॉग में हर कोई गवाह है कि इसने पकड़ के मेरे मुंह में डाला है और दूसरा पाइप भी डाल रही। मैं एकदम से दिमाग में खा रही, मैं टेस्ट आया, मैंने कहा ये मेरा टेस्ट इतना अनोखा क्यों लग रहा है मुझे, फीका फीका सा अजनबी सा टेस्ट। फिर मुझे याद है मेरा तो रोजा है। ओके यार, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि मैं चिकन कितना प्यारा मैंने बनाया है। चिकन कितना प्यारा बन जाए ना, यार मुझे क्रेडिट दो ना, मैं इधर कैमरा में सर घूम गया, चक्कर आ रहे हैं मुझे, लगभग चक्कर आ रहा है। अम्मा अच्छा बनाया ना, अब मैं चख नहीं सकती। हाँ लेकिन अच्छा ही बना होगा, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा बन गया, मैं खाना बनाने लगी हूँ। हाँ। उसको देख लो खुद, ठीक है। अब हम बाकी फ्राई बनाने लगे और हम मेरी वाली डिश तो रेडी हो चुकी है जो हम सर्व करेंगे। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसके अंदर डाल दो, सारा डाल दो। अब मैं सॉसेज देने भी आप ही को बोलते हैं, उसको डालने आएंगे। नहीं आते हैं, कितना कचरा कर दिया अल्लाह। मैं आप लोगों ने कहा कचरा दिखा दूं सारा, कितना कचरा किया है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मम्मा इतना कचरा। चलो पीछे हो जाओ, मैं आगे, मैं देख लेती हूं। एक मिनट, थैंक यू, ठीक है। बाकी फिर आप, बाकी फिर आप मम्मा, क्या लगा दिया ये रबिया, थैंक यू, आई लव यू। ओह मम्मा ने मुझे किस की, मम्मा रोजे में किस नहीं करते, नहीं कर लेते। अच्छा मैं अब रेस्ट करने जा रही हूँ, बस करो जाना, मैं अब रेस्ट करने जा रही हूँ, बाकी आप लोग इसको करें, ठीक है। अब मम्मा मुझे लगता है ये ना होता चीनी शीनी कम, और चीनी का नमक शमक कम होता नहीं, बट रोजा यार पागल हो, टेस्ट नहीं करना पहले। देखा मामा कैसे मैं इसको टोका, इसने मेरी तो मुझे नहीं टोका। रोजों में ना नए नए रोजों में बंदा भूल जाता है, टेस्ट कर लेता है, एंड पे बड़ा पक्का याद रहता है। हाँ जैनब का तो मुझे लगा छुप के रोजा तोड़ भी दिया। अभी फ्राइज भी बनाने हैं तूने? नहीं मैं नहीं फ्राइज बनाती, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मुझे रोजा बहुत फील हो रहा है। और अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, लेटने जा रही हूँ थोड़ी देर, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे सब में और फिर इफ्तारी करेंगे ये। ओके यार, तो फाइनली इफ्तारी का टाइम हो गया, सब ने रोजा खोल लिया, सब खा पी रहे हैं, ठीक है। और बताओ मेरी मैक्रोनी अभी तक नहीं ना खाई तुम लोगों ने? अभी वो तुम खुद, अभी ये लोग पहले, मैंने अभी मैंने खुद भी टेस्ट नहीं किया, अभी टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि बनी कैसे। पता चले मैंने फिर से नमक की जगह चीनी डाल दी। नहीं ऐसा नहीं तुम अब कर, लेकिन जब मम्मा ने मेरी हेल्प की तो नहीं सही बनी होगी, देखते हैं। ओके यार, तो अब फाइनली मेरी मैक्रोनी की बारी आने लग गई है, जरा रिव्यू देना खाकर कैसी है। मेरा दिल लग रहा है। हाँ लेकिन ये पता सारी मैंने बनाई है टोटली, एक काम भी किसी और ने नहीं किया, एक काम भी किसी और, नमक मैंने डाला था, फ्राई कराया सारा। कैसी नहीं बताओ? बहुत मजे की, लेकिन नमक हल्का सा कम है। मम्मा नमक हल्का सा कम है, आपकी मिस्टेक, आपने डाला था। अच्छा होता है जलेबी, हल्का सा कम है, बहुत मजे की, खुद भी मुझे चखने दोगे ना? बिस्मिल्लाह, यम्मी। टेस्टी। तुम लोग भी खा के बताओ, एक दूसरी चीज खाई जा रहे हो, खाया ही नहीं अभी। मम्मा आप खाओ, आप ही जूस दो, मैं भी लगे तो जूस सब खा के बताओ। बहुत मजे की, कैसा है? यकीन नहीं आ रहा सब कुछ पर, कैसा है? नमक कम है, कोई बात नहीं, मैंने बगैर चखे बनाई थी, लेकिन रिव्यू अच्छा ही मिला। चखी थी तुमने ड्यूटी यार, वो रोजा गलती से टूटा था, वो सबको ना पता, मैं आगे उसमें बर्थडे था, मैं पता है रोई भी होता जा गया, आपको पता है, मैंने बताया नहीं किसी को। कोई बात नहीं, रहा गलती अल्लाह माफ कर देता है, इंसान कौन होता है। हां मैंने गूगल से सर्च किया था, कहते हैं ऐसे नहीं टूटता रोजा। सर्च पे देखो कहां से। हां शुगर है, इसको जरा एक स्पून टेस्ट कराओ। मैंने खुद भी खाना, हो खाती जा रही है मोटी यार, बहुत मजे, बहुत भूख लगी हुई थी आज तो। चलो जल्दी फातिमा खा के बताओ, बताओ ये एल्बो 10 आउट ऑफ, तुमने उसमें चीनी डाल दी? नहीं, ओ गाइस 10 आउट ऑफ 8, चलो ठीक है 8 भी बुरे नहीं है, लेकिन क्योंकि नमक कम था सो नहीं। अगर तुमने, बहुत मजे की लगी रोजे में, अगर तुमने ये बनाई ना 10 out of 9 फाइनली मेरा बन गया तो हो सो क्या आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। यस।